तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूँ। आज हम बनाएंगे घर में दानेदार घी, वो भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे, जिससे वो एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने मलाई ले ली है, ये 1 किलो मलाई है करीबन। मैंने उसको 10 दिन तक कलेक्ट किया था एक डिब्बे में। 1 कप दही डाला है मैंने इसमें, जिससे कि हमारा घी एकदम दानेदार बन के तैयार होगा। तो आप भी दही ज़रूर डालें। तो अब ये मैं जिस कढ़ाई में घी बनाने वाली हूँ, मैंने वही कढ़ाई डायरेक्ट ले ली है। उसमें हम इन मलाई को पूरा ट्रांसफर कर देंगे। बहुत लोगों को इस बात की प्रॉब्लम रहती है कि उनकी मलाई पीली पड़ जाती है, तो आप उसमें दही ज़रूर मिला के कलेक्ट कीजिए, अपना जो मलाई होता है स्टोर कीजिए। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और घी भी एकदम बहुत ही टेस्टी बन के घर का तैयार होता है। तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं चम्मच से। और ये जो मलाई है ये रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मैंने इसको फ्रिज से 7-8 घंटे पहले ही निकाल के रख दिया था, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। इसमें हम 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। ये भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी है। अब ये मेरे घर में इजीली हैंड ब्लेंडर जो होता है वो अवेलेबल था, उससे ही मैं कर रही हूँ ये। तो अगर आपके यहाँ जो हैंड ब्लेंडर इलेक्ट्रिक वाला होता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें भिलोई जो होती है जिससे हम मत्ते मक्खन को, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें हम पानी और ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है और इसका घी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें कितना गाढ़ा मलाई है ये। तो इसको हम लगातार 8। अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच, जिससे कि हमारा मक्खन पूरा ऊपर आ जाएगा। जब हम थोड़ा सा भी इसको मथेंगे ना, तो ये अपने आप पूरा मक्खन ऊपर तैर के आ जाएगा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अगर आप जैसे कि आपका मलाई बहुत ठंडा है और नहीं निकल रहा है, आपने बहुत उसको मथा है, तो आप उसमें नमक ऐड करें 1/2 चम्मच। ये देखिए पूरा मक्खन ऊपर आ गया है हमारा, एकदम दानेदार मक्खन बन के ऊपर आ रहा है। हम इसको थोड़ा सा और मिलाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बहुत गाढ़ा है ये, तो हमें हिसाब से पानी ऐड करना है, नहीं तो एकदम दूध बन के भी तैयार हो जाता है कभी कभी। आप इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी से ही करें, क्योंकि ठंडाई से ये बिल्कुल एकदम दूध होता है, गाढ़ा दूध वो बन जाता है। ये मेरे साथ हो चुका है, एक्सपीरियंस है इसलिए। तो ये देखिए मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक रेगुलर ब्लेंड किया है। तो आप देख सकते हैं पूरा मक्खन ऊपर आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे। तो जिस बोल में मैंने मलाई कलेक्ट की थी उसी बोल में मैं इसको वापस डाल देती हूँ। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसका दूध अलग हो जाएगा पूरा और पूरा मक्खन अलग हो जाएगा। ये देखिए, तो हमें इस दूध को फेंकना नहीं है, मैं आपको आगे इसका यूज बताऊंगी। इसको हम अलग निकाल लेते हैं और बिल्कुल भी दूध उसमें एक्स्ट्रा होना नहीं चाहिए, नहीं तो उसको हमें उसका पानी तोड़ने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। पूरा मैं उस बोल में निकाल के ट्रांसफर कर रही हूँ ये। ये देखिए, तो अभी भी इस बोल में पानी चला गया है, तो हम इसको हल्के हाथों से ऐसे दबाएंगे और इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना, ये हमें वापस उसमें डाल देंगे। ये देखिए ऐसे, ये पानी हमें फेंकना नहीं है। आप इससे आटा गूंथ सकते हैं, बहुत सॉफ्ट आता है, छोटले भटूरे बना रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं उसका। तो वो पानी फेंकिएगा मत, इसका ये भी न्यूट्रिशियस होता है, खाने में अच्छा होता है। तो बहुत लोग इसको फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने वो कढ़ाई को साफ कर लिया था और जो मैंने मक्खन मथा था उसको मैं वापस इसमें डाल के अब गैस पे चढ़ाएंगे हम इसको। मैंने इसको गैस पे एकदम लो फ्लेम रखनी है, बिल्कुल भी गलती से हाई नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो घी है वो पूरा जल जाएगा। ये देखिए पिघलने लग गया है ये। मैं आपको इसकी पूरी स्टेज दिखाऊंगी, बिल्कुल वीडियो कट नहीं कर रही हूँ मैं, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है और ये झाग आ रहे हैं इसमें, तो इसके झाग को हम साइड से निकालते जाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए बहुत अच्छा बॉईल आ गया है, इसको धीरे धीरे मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं चलाना है हमें। और इसकी जो भी झाग है ना, इसको हम बीच में करते जाएंगे चम्मच से ऐसे।
इसको रेगुलर चलाते रहना है हमें, ज्यादा मतलब छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। ये देखिए इसके झाग, हम बीच में आखिरी में पूरे झाग अपने आप खत्म होने लग जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको 7 से 8 मिनट एकदम लो फ्लेम पे रखा था, तो ये देखिए इसके झाग अब खत्म होने लग गए। अब ये जो बचे कुचे हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे, तो इसको हमें थोड़ी देर और पकाना है। अगर ये बीच बीच में से ब्राउन हो रहा है तो डरिए मत, ये जला वाला नहीं है, वो होता ही है, इसका मतलब आपका एकदम परफेक्ट घी बन रहा है। तो ये देखिए बीच से भी हम इसको थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, देखिए ऐसे गोल गोल बन गए, मतलब हमारा घी एकदम परफेक्ट बनेगा। अभी देखिए वो जो झाग थे वो भी खत्म हो गए हैं और हमारा घी बन के तैयार हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद में आपको छानना दिखाऊंगी इसका। मुझे 1 घंटा हो गया है, अब मैं इसका पहले पूरा घी ऊपर जो है उसको निकाल लेती हूँ, ठंडा करने के बाद ज्यादा बेटर रहता है ये। तो ये देखिए इसका जो ये कचरा टाइप बचता है, इसको भी हम एकदम ऐसे दबा दबा के घी निकालेंगे। तो करीबन इससे 3 पाव घी तो आराम से निकल गया है, और वो भी बहुत टेस्टी और दानेदार बन के तैयार हुआ है, एकदम घर का देसी घी। इसको आप बनाकर देखिए, मेरे स्टाइल से पसंद आएगा आपको बहुत। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी ईटिंग।